आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। जैसा कि आप सब जानते हैं, थर्ड G20 टूरिज्म ग्रुप मीटिंग श्रीनगर में 22 मई से 24 मई तक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 डेलीगेशंस पार्टिसिपेट करने वाली है। नाजरीन, G20 ग्रुप ऑफ 20 यानी जिसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन शामिल होता है, इन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा जैसी कंट्रीज शामिल है। इसमें आपको ये भी बता दें, अगर G20 के इस बार की थीम की बात की जाए, क्योंकि इस बार G20 की प्रेजिडेंसी का जो मौका है वो इंडिया को दिया गया है, तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसमें अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर की बात की जाए, तो उन्होंने कई अनकोट कोट ये कहा था कि इस बार की जो G20 में प्रायोरिटीज़ है, वो प्रायोरिटीज़ कल्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेंगी, और भी कहीं चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था। अगर श्रीनगर की बात करें तो कुछ दिन पहले से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो रोड्स को अपग्रेड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया। इसमें अगर पुलवे मार्केट की बात करें तो उसका अपग्रेडेशन का काम काफ़ी टाइम से चल रहा था और अब वो बन के तैयार है। अगर जहलम रिवर फ्रंट की बात करें, जो कि राजबाग में है, उसको भी बहुत जो है ब्यूटिफाई किया गया है, जिसकी हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेशन भी किया है। इसमें अगर हम बात करें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से जो है मॉक ड्रिल्स भी हुई। अगर NSG की बात करें, BSF की बात करें, हम पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें, तो मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की गई। मार्कोस की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो है मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की गई, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि अगर हम ADGP विजय कुमार की बात करें, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर को जो है 3-tier सिक्योरिटी जोन के अंडर अभी रखा गया है, ताकि कोई भी नासाजगार वाक्या पेश ना आए। अगर हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो जब हमने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ G20 की वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे पेस नहीं है, आगे भी G20 के बाद भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे ऐसा ही पेस देखने को मिलेगा। तो जहां डाउनटाउन की बात करें, तो डाउनटाउन को भी ऐसे ही सजाया जाएगा। रोड्स की मैग्डमाइजेशन आप देखें कि हर तरफ से रोड्स को मैग्डमाइज किया गया। अगर हम लाइटिंग की बात करें, तो हर तरफ से आप ब्रिज की बात करें, आप रोड्स की बात करें, पोलोव्यू की तरफ से, MA रोड की तरफ से, हैदरपुरा की तरफ से, राजबाग की तरफ से, हर तरफ से जो रोड्स हैं उनको लाइट्स के जरिए सजाया गया है, और श्रीनगर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफाई करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अगर ये जो कंट्रीज़ यहाँ पर, इंटरनेशनल कंट्रीज़ यहाँ पर आ रही है मीटिंग के लिए, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी ले जाया जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स है, यहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज जो कि प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो भी दिखाए जाएंगे, ताकि कश्मीर का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जानब।